क्या कर रही है? क्या हो गया भावेश? ये मक्कू अब खुजली गई, ये अभी पेट का दर्द शुरू हो गया है। और वो लगता है ये सब रावड़ी टॉनिक की वजह से हुआ है। तो मुझे भी वही लगता है। चलो भावेश बेटा, खाना खा लेते हैं। हाँ चलो चलो। मुकुला बहू, कुछ कहना है? पापा, आप पूछ रहे इसलिए मैं बता रही हूँ। अरे रे रे। ओ, दवाई की वजह से भावेश को रिएक्शन हो गया और पेट में दर्द शुरू हो गया। कौन सी दवाई का रिएक्शन? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। भावेश, मुझसे मत छुपाओ, सच सच बताओ बात क्या है। ओ क्या पापा, मैंने मोटापा कम करने के लिए दवाई मंगाई थी, उसका रिएक्शन हो गया है। अच्छा, तो वो दवाई डीवीडी के लिए नहीं थी, तुम्हारे लिए थी, है ना? भावेश, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई बाजार उपाय मत करना, लेने के देने पड़ जाएंगे। सॉरी पापा, सॉरी। भावेश बेटा, मोटापा दूर करने का एक ही रास्ता है, एक्सरसाइज, कसरत, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक काम करो, वो दवाई छोड़ दो और कल सुबह फिर से मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पे आना शुरू करो। लेकिन पापा। लेकिन बेकिन कुछ नहीं, कल सुबह तुम्हें आना है, मतलब आना है। चलो अब खाना खाते। चलो चलो भावेश, मैंने आपकी फेवरेट पनीर की सब्जी बनाई है। पनीर? चलो चलो चलो। क्या चलो 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 चलो? बकुला बहू, भावेश को पेट में दर्द है, उसको पनीर की सब्जी मत देना। भावेश के लिए दही खिचड़ी बना दो। पापा नहीं, थोड़ा सा खा लेता हूँ, इतना भी दर्द नहीं है, थोड़ा कम हो गया अभी। आज से तुम्हारा मसालेदार और चर्बी वाला खाना बंद, उसी से तो वजन बढ़ता है, समझे? चलो खाना खाने। अरे भावेश, पनीर की सब्जी नहीं मिलेगी है। किसके खाने में पनीर की सब्जी गई? अब खाओ दही खिचड़ी, दही खिचड़ी।